किसी मनुष्य का पृथ्वी पर भार यदि 600 एन है तब चंद्रमा पर उसका भार होगा। ऑप्शन ए 6000 एन, बी 60 एन, सी 1000 एन और डी 100 एन। इसका उत्तर है 100 एन। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन ए 2 किलोग्राम, बी 3 किलोग्राम, सी 4 किलोग्राम और डी 29.4 किलोग्राम। इसका उत्तर है 3 किलोग्राम। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। ऑप्शन ए 1 एन, बी 10 एन, सी 9.8 एन और डी 9। इसका उत्तर है 9.8 एन। जड़त्व अघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन ए बल, बी टॉर्क, सी कार्य और डी कोणीय संवेग। इसका उत्तर है टॉर्क। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए? ऑप्शन ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा और डी पानी जम जाएगा। इसका उत्तर है आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है तब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी उतना ही रहेगा और डी पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। इसका उत्तर है उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, सी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है और डी पानी गर्म करने पर फैलता है। इसका उत्तर है पानी जमने पर फैलता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका उत्तर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज ऑप्शन ए कास्तर पहले जितना होगा, बी थोड़ा ऊपर आएगा, सी थोड़ा नीचे आएगा, डी ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। इसका उत्तर है थोड़ा ऊपर आएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है ऑप्शन ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और डी -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका उत्तर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड।